नमस्कार दोस्तों। तो पिछले साल मोटोरोला ने एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया था 20,000 के आसपास। बिग बिलियन डे से पहले लॉन्च हुआ था, याद करके देखिए। फोन का नाम है मोटोरोला H40 Neo, मतलब एक बहुत ही ज्यादा ऑलराउंडर स्मार्टफोन था। तो अभी कहा जा रहा है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है। फोन का नाम होगा मोटोरोला H50 Neo। वैसे देखिए, पहले मैं एक चीज बोल देता हूँ, इसका जो स्पेसिफिकेशन वो बस लीक स्पेसिफिकेशन है, अभी इसके बारे में कोई कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो इसीलिए अगर बाद में इसके ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन चेंज होता है तो मैं फिर से वीडियो बना के उसे अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो भी हो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन मिले स्मार्टफोन के बारे में उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो देखिए, रिसेंटली मोटोरोला के एज सीरीज का जो भी बाकी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है या फिर जो H50 फ्यूजन जो आने वाला है, पीछे आपको जैसा डिजाइन मिलेगा एग्जैक्टली सेम डिजाइन इसके भी पीछे आपको मिलेगा। फोन का थिकनेस है 7.8 मिलीमीटर और वेट है 175 ग्राम, और इसके पीछे का जो मटेरियल वो होगा ग्लास या फिर लेदर का मिक्सचर। मतलब हो सकता है एक दो मॉडल पे आपको मिलेगा लेदर कवर और एक पे आपको मिलेगा ग्लास बैक। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 144 हर्ट्ज कर्व 10 बिट पोलेट डिस्प्ले, उसके साथ 576 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1920 हर्ट्ज का पीडब्ल्यूडी डिमिंग रेट, 3100 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन और साथ में 15 ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब कैसे थे कि जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है उस हिसाब से इसका जो डिस्प्ले वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 7200 5G प्रोसेसर। कैमरे में आपको मिलेगा 108 और 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो रियर कैमरा उसके साथ आपको OIS EIS दोनों हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा मोस्ट प्रोबेबली हमें मिलेगा सैमसंग की तरफ से। ये जो फोन काजर के टोटल 3 वेरिएंट पे मिलेगा, 8x128GB, 8x256GB और 12x256GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 80 वाट का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। वैसे इसका जो चार्जर वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करूं तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर जिसके साथ है Dolby Atmos का सर्टिफिकेशन, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC और IP68 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसके OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए इसका लॉन्च डेट कब है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंडिया पे आएगा मोटोरोला H50 फ्यूजन, उसके बाद इंडिया पे आएगा मोटोरोला H50 Neo। तो हो सकता है लास्ट ईयर जैसे बिग बिलियन डे से पहले लॉन्च हुआ था तो इस साल भी एग्जैक्टली सेम चीज हो सकता है। और अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करें, कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा 22,000 से 23,000 रुपए के आसपास। मतलब पिछले बार का जो वेरिएंट, मतलब पिछले बार का जो मॉडल वो लॉन्च हुआ था 20,000 के नीचे, इस बार आएगा 22,000 से 23,000 के आसपास। तो अभी हार्ड वीडियो से देखिए क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट ऑलराउंड डिवाइस है या फिर इससे बेटर दूसरे के चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए, अगर हम आज के दिन में 25,000 के नीचे देखेंगे तो रिसेंटली एक फोन लॉन्च हुआ है OnePlus Nord CE 4, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करते, पहली बार तो डिस्प्ले, इधर मैं कहूंगा मोटोरोला होगा बेटर, क्योंकि 144 हर्ट्ज कर्व्ड पैनल आपको मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से नॉर्ड के मुकाबले बेटर है। सीपीयू इस वन में मेरे ख्याल से दोनों होगा एक्जैक्टली सेम, क्योंकि जो डायमेंसिटी 7200 इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के जैसे है, तो इसलिए इस मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम। कैमरा, इधर मैं कहूंगा मोटोरोला का बेटर इन टर्म्स ऑफ मेगापिक्सल, क्योंकि नॉट पे आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का IMX82 सेंसर और मोटो पे आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा। दूसरी से मेगापिक्सल काउंट के मामले में इधर मोटो को विनर कहना चाहूंगा। वेरिएंट के मामले में नॉट होगा बेटर, क्योंकि 25,000 के नीचे नॉट आपको प्रोवाइड करेगा UFS 3.1, जो कि मोटोरोला हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। बैटरी और चार्जर नॉट बेटर, क्योंकि 5500mAh बैटरी 100 वाट का चार्जर, स्पीकर दोनों पे सेम, OS अपडेट दोनों पे सेम। तो देखिए वीडियो का मैं बस चीज करना चाहूंगा, मुझे जितना लग रहा है अगर किसी का टारगेट है आज के दिन में 25,000 के नीचे एक ऑलराउंड बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लेना, जिन लोगों का टारगेट है कार्ड डिस्प्ले फोन लेना, तो मेरे ख्याल से 25,000 के नीचे सबसे पावरफुल कार्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन होने वाला है मोटोरोला H50 Neo। तो भी आप मुझे कमेंट जरूर बताने की जो मोटोरोला H50 Neo एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन के साथ जो लॉन्च होने वाला है, तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।